कैंसर, वेलकम टू द रिमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के फोर्थ वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ फरवरी। एट ऑफ पेंटिकल्स, Devil, Six of Wands, Nine of Swords। Okay, तो हमारे पास Eight of Pentacles है। Eight of Pentacles का मतलब है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो इस वक्त अपने करियर पे ज्यादा फोकस्ड है। जब आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन रोमांटिकली बहुत इंटरेस्टेड नहीं है या रिलेशनशिप पर फोकस नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त कुछ और प्लान कर रहे हैं। आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट चाहे सिचुएशन जो भी है, ये पर्सन इस वक्त अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है और ये पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त पैसों के बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को सिक्योर फील करना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कैंसर कि द डेविल के कार्ड के साथ यहाँ कुछ ऐसा है जो इन्हें स्टॉप कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस होने से। द डेविल के साथ इनके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्हें ये समझा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, या फिर डेविल हो सकता है इनके अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में, या फिर डेविल हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो कि फ्लर्टेशियस है, जो कि या वैसे तो बहुत इंटरेस्टेड है जब बात आती है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की, मगर जब सीरियस कमिटमेंट करने की बात आती है तो ये पर्सन एकदम से अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर लेता है। उस समय इनकी प्रायोरिटी हो जाती है अपना करियर, अपनी लाइफ और पैसे। और यू नो, फिर जब उन पर डेविल हावी होता है तो वो फिर से आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपको काफ़ी अटेंशन मिलता है। एंड देन अगेन जब सीरियस होने की बात आती है तो फिर से ये पर्सन अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर लेता है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है जो आपको बहुत परेशान कर रही हो। बट कैंसर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। आपको जरूरत है अपने लिए सोचने की। आपको कहा जा रहा है मिरर करने को। आई मीन, जो ये पर्सन कर रहा है इस वक्त आपको भी वही करना चाहिए। फिलहाल आपको भी अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वक्त आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत सूटेबल नहीं है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की टेंशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रख रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप ट्रुथ को देखना नहीं चाहते शायद इस वक्त। ये ऐसा है कि आपको पता नहीं कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा और आप अपने नेगेटिव ख्यालों से भागना चाहते हैं। तो नाइन ऑफ सोर्ड्स आपसे कह रहा है कि ये वक्त है ही नहीं इस रिलेशनशिप से डील करने का। इस पर्सन को पहले द डेविल से डील करने दीजिए। इस पर्सन को पहले ये सॉर्ट आउट करने दीजिए कि इनके लिए प्रायोरिटी क्या है। इस पर्सन को पहले अपना डिसीजन लेने दीजिए, उसके बाद आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत है। और तब तक के लिए फिलहाल इस वीक में टैरो आपसे कह रहा है कि आप एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपने लाइफ की दूसरी ब्लेसिंग्स पर फोकस कीजिए। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप करना शुरू करें और आपको सक्सेस ना मिले। ये कोई नया जॉब हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, या कुछ भी आप जो सोच रहे हो आप वो करेंगे तो आपको सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आगे बहुत सारी
अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आगे बहुत सारी आपकी खुशियां वेट कर रही हैं। तो फिलहाल किसी एक चीज को अपने आप को अपसेट ना करने दें। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Emperor, Two of Pentacles, excuse me, Ace of Cups, and King of Wands. तो हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स है। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप ये चूज करें कि आप वो चूज करें, और आपको काफी वर्क करना पड़ सकता है इन चीजों को फिगर आउट करने के लिए। एक यहां पे द एम्परर का कार्ड भी है। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत डोमिनेट कर रहा हो। ये पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप उनके हिसाब से चले, या वो चाहते हैं कि आप हर चीज उनके सिचुएशन को देख के प्लान करें। ओके एंड यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही डोमिनेटिंग नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि इनका जो ईगो और सेल्फ एस्टीम है वो काफी ज्यादा है, और ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि द डेविल के साथ हो सकता है कि इनका ईगो या सेल्फ एस्टीम ही या डेविल का काम कर रहा हो, और ये पर्सन कुछ भी नया सुनने को इस पॉइंट पे तैयार नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ मत कीजिए, इस रिलेशनशिप को आप वैसे का वैसे छोड़ दीजिए इस पॉइंट पे। एक ब्रेक ले सकते हैं आप। और एस ऑफ कप्स के साथ आप देखेंगे कि जो चीजें आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं वो यूनिवर्स आपके लिए सॉर्ट आउट कर रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ आपके लिए हर चीज प्लान ऑलरेडी हो चुकी है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप समझते जाएंगे कि चीजों को कैसे प्लान करना है। ओके तो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको पेंटिकल्स तो मिलेंगे ही, और जो चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं उनको आपसे कहा जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, वो चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी, आपके लिए जो परफेक्ट होगा वही आप तक पहुंचेगा। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप कौन है, वो आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें पता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कि उन्हें चेज करेंगे या फिर उन्हें बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे किसी बात को लेके। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है अच्छे से कि अगर आपके और उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो आप उन लोगों में से नहीं है जो आप एक इशू को लेके बैठे रहे, आप कहीं ना कहीं साइलेंट हो जाते हैं या उनको कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये चीज उन्हें अच्छी तरीके से पता है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, आप दिखने में अमेजिंग है और आपको कोई भी मिल जाएगा। तो आपको किसी भी हाल में अपने आप को ब्लेम करने की या कम समझने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक पॉज लेने की जरूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सेक्रेट टेम्पल, तो आप एक सेक्रेट टेम्पल हैं, आपके अंदर जो स्पिरिट है उससे आपको कनेक्ट होना होगा,
आप ही यूनिवर्स हैं, आप जानते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे पहले ज़रूरी है अपनी सोल की रिस्पेक्ट करना, अपने इंट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, और अपने इंट्यूशन को सुनिए। सबसे पहले आपको अपने सोल को वो इम्पोर्टेंस देनी होगी जो वो डिज़र्व करती है। तो ये है रीडिंग आपके फरवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।